पब्लिक टीवी आपकी आवाज। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे मुरादाबाद में भाजपा की गुटबाजी से खफा हैं। पार्टी की अंदरूनी कलह सतह पर आना पार्टी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष ने मुरादाबाद पहुंचकर पार्टी नेताओं की क्लास लगाई, हिदायत दी कि लोकसभा चुनाव सिर पर हैं और ऐसे हालात नहीं पैदा होने चाहिए कि इसका नुकसान हो। उन्होंने बंद कमरे में पार्टी के कुछ जिम्मेदार पदाधिकारियों के साथ वार्ता की और अनुशासन में रहने की ताकीद दी। प्रदेश अध्यक्ष के दौरे में भी गुटबाजी साफ दिखी, सांसद गुट नदारद दिखाई दिया। इस बात को भी दूसरे गुट ने प्रदेश अध्यक्ष के सामने रेखांकित किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अब तक जो हुआ भूल जाओ, आपस में कोई मतभेद भी है तो उसे आपस में बैठकर सुलझाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि खुलेआम पार्टी के लोग एक दूसरे का विरोध करें और दूसरे दल इसे प्रचार प्रसारित करें। मीडिया को भी मौका नहीं देना है, लोकसभा चुनाव को ज्यादा दिन नहीं है, अनुशासन तोड़ने वालों के विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे ने कार्यकर्ताओं से कहा कि कैराना और नूरपुर में भी आपके रिश्तेदार होंगे, जहां जो भी जानने वाला है उसे फोन करें और मृगांगा और अवनी सिंह को जिताएं। उन्होंने कहा कि 2014 में जनता की इच्छा पर पार्टी ने नरेंद्र मोदी को उम्मीदवार घोषित किया और प्रचंड बहुमत मिला। अब 2019 सामने है, गठबंधन पर विपक्ष जुटा है, कुछ होने वाला नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लेफ्ट राइट या बैक कोई भी फ्रंट हो, मोदी के घुटनों तक नहीं पहुंचेगा। पूरे मनोयोग से जुटे तो प्रचंड जीत होगी। भाजपा का कार्यकर्ता ही उसकी जान है, वही फिर जिताएंगे। प्रदेश अध्यक्ष के साथ MLC और पश्चिमी क्षेत्र के प्रभारी विजय बहादुर पाठक, MLC अशोक कटारिया भी मौजूद रहे। बहुत दुखद परिस्थितियों की शिकार स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह लोकप्रिय विधायक की धर्मपत्नी श्रीमती अवनी सिंह, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, उनके नामांकन के लिए आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी देश की एकमेव लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं होती है उसमें विश्वास रखने वाली पार्टी है। इस नाते इसके कार्यकर्ता पदाधिकारी समय समय अपनी बातें नेतृत्व को शासन के तंत्रों को बताते रहते हैं और इसके आधार पर हम आगे और जो आवश्यक होगा उसकी चर्चा करेंगे। आपके कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश हरिहर मुरादाबाद में बयान दिया था कि सारे नेता देश बेच के भाग जाएंगे, उसके बाद फिर उनका एक बयान सामने आया है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो शराब बांटकर और मुर्दा बांटकर वोटर को चुनाव जीते। 20 तारीख से रैली भी करने जा रहे हैं शराबबंदी के विरोध में। व्यक्तिगत भी उनको सलाह दिया हूँ, मीडिया के माध्यम से भी सलाह है कि श्री ओम प्रकाश राजभर को सामूहिक मंत्रिमंडलीय जिम्मेवारी का पालन करना चाहिए और नेता के रूप में भी उन्हें संयमित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। आपने किसी अन्य लोकतांत्रिक पार्टी की कभी बैठक होते देखा है? नहीं देखा हो तो जो पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, लोकतांत्रिक पद्धति में काम करती है, वहाँ विचार विमर्श को आप विवाद न माने, हमारे यहाँ कोई खींचतान नहीं है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।